प्रोफेसर टेक के सभी वीडियोस के अलर्ट्स पाने के लिए सब्सक्राइब का बटन दबाएं एंड उसके बाद नोटिफिकेशन बेल हिट करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें। इंटेल के अगले जनरेशन के एल्डर लेक डेस्कटॉप सीपीयूज में DDR5 मेमोरी सपोर्ट होगा। बिग स्मॉल आर्किटेक्चर जैसे कि मोबाइल में होता है उस तरीके से वो आएंगे। एंड फाइनली उसके अंदर पहली बार हम लोगों को 16 कोर तक देखने को मिलेंगे इंटेल की तरफ से, जो कि इंटेल अपने फ्रेवरोस 3D आर्किटेक्चर पे बेस होके बनाएगा। गाइस, मैं हूं प्रोफेसर टेक, दिस इज द प्रोफेसर टेक शो। एंड बहुत दिनों के बाद इंटेल की तरफ से एक बहुत ही तड़कती भड़कती खबर आई है। ये लीक आया है कोयला कांत -ड्रीम नाम के एक यूजर की तरफ से, जिसको रिपब्लिश किया था वीडियो कार्ड्स ने। एंड जो लीक है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफिशियली 2021 के सेकेंड हाफ में एल्डर लेक के डेस्कटॉप सीपीयूज लॉन्च होंगे। एंड ये पहली बार होगा कि इंटेल का कोई सीपीयू आएगा जो कि 10 नैनोमीटर प्रोसेस नोड पे बनेगा, बिकॉज 11th जेन एंड 10th जेन दोनों ही 14 नैनोमीटर प्लस 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 प्रोसेस पे बने हैं। 2015 के बाद जो कि ब्रॉडवेल आर्किटेक्चर जब आया था, उसके बाद से 2021 के सेकेंड हाफ में पहली बार होगा जिसमें इंटेल अपने वेफर को अपग्रेड करेगा। गाइज, इस न्यूज के बारे में और जानने के लिए देखते रहो ये पूरा वीडियो। हे गाइज, मैं हूं प्रोफेसर टेक एंड दिस इज द प्रोफेसर टेक शो। इस शो पे हम लोग बात करते हैं पीसी हार्डवेयर, गेमिंग, स्ट्रीमिंग और इससे रिलेटेड बाकी सारी चीजों के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्यों मैं इतना एक्साइटेड हूं। तो कोर बूट जो कि एक वेबसाइट है चाइनीज, एंड वीडियो कार्ड्स ने उसको रिपब्लिश किया था, तो एज यू कैन सी बहुत सारे बहुत ज्यादा डेस्कटॉप सीपीयूज के बारे में लीक आया है। नाउ दिस इज जस्ट लीक एंड ये हो सकता है उनके अभी जस्ट ड्राइंग बोर्ड का पार्ट हो, बट फ्यूचर में अगर ये इस तरीके से इंटेल वापस से हिट करता है तो AMD के लिए मुश्किल की बात हो सकती है। नाउ आई मस्ट टेल यू कि DDR5 सपोर्ट, अगेन DDR5 GDDR मतलब ग्राफिक्स साइड पे तो है बट अभी तक डेस्कटॉप साइड में नहीं आया, स्पेशली फॉर नॉर्मल प्लेटफॉर्म। एंड ये जो है प्रोसेस जो है ये पूरा एक आर्किटेक्चरल ओवरऑल होगा फ्रॉम इंटेल साइड। तो इंटेल क्या करने वाला है, इंटेल इसमें ये करेगा कि वो अपने दो टाइप के सीपीयूज को एक पैक में डाल के वो देगा कंज्यूमर्स को। क्या बोल रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इंटेल के जो अभी के जो हाई पावर्ड सीपीयूज हैं जो हम लोगों को डेस्कटॉप साइड पर मिलता है, उसको वो कंबाइन करेगा जो उसके लो पावर्ड मोर एफिशिएंट कोर्स हैं, जैसे कि उसको एटम वाले जो कोर्स हैं उसके साथ मिक्स करके वो बिग स्मॉल आर्किटेक्चर जो है उसको इनकॉर्पोरेट करने वाला है। नाउ ये तुमने आर्किटेक्चर पहले ही देख रखा है, ये आर्किटेक्चर यूज करता है मोबाइल में क्वालकॉम के जो चिप्स हैं स्नैपड्रैगन 855, 865, 865 प्लस, ये सब बिग स्मॉल आर्किटेक्चर यूज करते हैं, बट उसके अंदर जो कोर्स होते हैं वो आर्म के कोर्स होते हैं। हाउएवर यहाँ पे इंटेल इज गोइंग टू इंट्रोड्यूस पहली बार डेस्कटॉप साइड पे जहाँ पे बिग एंड स्मॉल कोर्स यानी कि हाई पावर्ड कोर्स एंड एफिशियंट कोर्स एक साथ आएंगे। नाउ स्पेसिफिकली ये हम लोग नहीं बोल सकते बिकॉज दीज आर जस्ट द ड्रॉइंग बोर्ड, अगेन मैंने तुम लोगों को पहले ही बताया है। हाउएवर फ्यूचर में जो विलो कोव एंड ट्रांसमोट कोर्स जो आने वाले हैं उसमें हम लोगों को ये आर्किटेक्चर दिख सकता है। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जो बिग सीपीयू होगा दैट विल बी फॉर हाई एंड थिंग्स, एंड जो स्मॉल सीपीयू एफिशिएंट कोर्स होंगे वो होंगे हमारे जिसमें इतने ज़्यादा पावर की ज़रूरत नहीं है तो होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्राउजिंग एट्सेट्रा। साथ ही इसके अंदर आर्किटेक्चर इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो देखने में बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ये तो चलो हमने थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर के बारे में बात कर लिया, अब बात करते हैं SKUs के बारे में। एंड कोरबूट का जो लीक है उसके अंदर टोटल 18 के आसपास CPUs लीक हुए हैं। इसके अंदर हमको 5-8 कोर वाले प्रोसेसर्स मिलते हैं, 7-6 कोर वाले प्रोसेसर्स देखने को मिल रहे हैं, साथ ही 2-4 कोर वाले प्रोसेसर्स एंड 4-2 कोर वाले प्रोसेसर्स। अब ये जो कोर्स के बारे में बात कर रहा था, इसमें प्राइमरी जिस कोर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है जो बिगर कोव कोर्स हैं यानी कि जो हाई पावर्ड कोर्स हैं, एंड इसके साथ एक वेरिएबल स्मॉल एटम कोर्स भी अवेलेबल है। इसका मतलब जब टोटल हम ऐड करेंगे तो उसके अंदर हमको 10, 12, 14 एंड 16 कोर्स तक का कॉन्फ़िगरेशन मिल सकता है। तो एंड सभी में जितने भी 8 कोर वाले हाई पावर्ड कोर्स, 6 कोर वाले, 4 कोर वाले, 2 कोर वाले, उसमें कुछ ऐसे SKUs भी दिख रहे हैं जिसके अंदर कोई भी स्मॉल एटम कोर नहीं है। इसके साथ एक चीज़ जो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है उसके अंदर है कि हाइपर थ्रेडिंग अवेलेबल होगा कि नहीं। नाउ अगर हाइपर थ्रेडिंग अवेलेबल होता है तो इफेक्टिवली वी आर लुकिंग समवेयर एट 16 कोर्स एंड 32 थ्रेड्स, जो कि राइजन के अभी के 3950X को मैच करने के लिए काफ़ी होगा।
Now, as you can see over here in the screen, जो टॉप एंड जो सीपीयू है वो एल्डर लेक के 12 जेन का, उसमें हमको मिलता है 8+8+1 आर्किटेक्चर, यानी 8 बड़े कोर्स, 8 एटम कोर्स, एंड जीपीयू जो है वो मिलतेगा GT1, जो कि इनका हाई पावर्ड जीपीयू रहेगा, विच विल कम विद दीज। साथ ही जो सेकेंड है दैट इज 8+6, थर्ड इज 8+4, फोर्थ इज 8+2, एंड पांचवा जो 8 कोर प्रोसेसर है उसके अंदर एटम कोर्स एक भी नहीं है, एंड उसके अंदर जो है GT1 ग्राफिक्स हमको मिलता है। साथ ही इसके बाद जो प्रोसेसर्स हैं उसके अंदर हमको 6 कोर्स मिल रहे हैं, एंड 8 कोर्स हमको 8, 6, 4, 2 एंड निल एटम कोर्स मिल रहे हैं, जो कि GT2 ग्राफिक्स के साथ आएंगे। इसके बाद एक क्वाड कोर है जिसके अंदर 4 बड़े कोर, 8 एटम कोर्स एंड GT2 ग्राफिक्स है। उसके बाद एक दिख रहा है हमको जिसमें 4 बड़े कोर्स हैं, एक भी एटम कोर नहीं है, एंड GT1 ग्राफिक्स है। तो तुम देख सकते हो वेरियस काइंड्स ऑफ चिप्स कॉन्फ़िगरेशन विद वेरियस A+B के इटरेशंस पे हम लोगों को देखने को मिल रहा है, एंड ग्राफिक्स के साइड से GT1 एंड GT2 ये दोनों GPU SKUs मिल रहे हैं। नाउ अब जो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये इस तरीके से इसीलिए है बिकॉज राइट नाउ दे आर ऑल इन टेस्ट कॉन्फ़िगरेशंस, अभी तक ये सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पे हैं, एंड इसमें से बहुत सारे छट जाएंगे, एंड फाइनल जो कंज्यूमर को मिलेगा उसके अंदर हम लोगों को बस ये देखना है कि इसमें से कितने क्वालिफाइड रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 8 बड़े कोर 8 छोटे कोर के साथ हो सकता है हमको फाइनली 6 छोटे कोर या 4 छोटे कोर वाले CPUs जो हैं वो नहीं मिले। तो अभी तक 10th जनरेशन के CPUs भी राइट नाउ दे आर नॉट अवेलेबल एज मच, 11th जनरेशन तो अभी हवा में ही है। हाउएवर दिस काइंड ऑफ न्यूज जो है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड आई विल बी वेरी मच इंटरेस्टिंग टू सी हाउ AMD रिस्पॉन्डिंग, बिकॉज AMD के साइड से भी इस तरीके का कुछ सामान आया है जहां पे उन्होंने कुछ पेटेंट किया है विच लुक्स वेरी सिमिलर टू दिस काइंड ऑफ कॉन्फिग्रेशन, वो भी आगे आने वाले वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली वीडियो कार्ड्स ने एक और चीज बताया है, जो कि उन्होंने बताया कि DDR5 मेमोरी जो है वो हम लोगों को हो सकता है इस जनरेशन के CPUs के साथ मिले, एंड एक नया सॉकेट यानी कि LGA 1700 सॉकेट आए जो एग्जिस्टिंग LGA 1200 सॉकेट को रिप्लेस करेगा। तो LGA 1200 अगेन कॉमेट लेक एंड रॉकेट लेक यानी 10th एंड 11th जनरेशन को सपोर्ट करेगा। LGA 1700 जो है जो एल्डर लेक जनरेशन एंड उसके बाद जो मीटियोर लेक आएगा उसको सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही हम लोगों को ये भी देखने को मिलेगा कि वेरियस जो TDPs हैं वो एक बार फिर से रिडिफाइन होगा फॉर परफॉर्मेंस एंथुजियस्ट एंड मेनस्ट्रीम मार्केट के लिए, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आया है एंड यू गाइज आर एबल टू अंडरस्टैंड जिस चीज़ के लिए मैं एक्साइटेड हूँ तो नीचे मुझे बताओ कॉमेंट्स में, सो दैट वी कैन हैव मोर एंड मोर डिस्कशन अबाउट इट। एंड AMD का जो पेटेंट है वो भी हम आगे आने वाले एक दो वीडियोस में डिस्कस करेंगे, एंड वी विल बी कंपेयरिंग कि किस तरीके से AMD और Intel जो है एक दूसरे को कॉपी करते रहते हैं आगे पीछे दोनों तरफ से। तो गाइज फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।